वेलकम बैक एवरीवन। हमेशा की तरह मैं लेके आया हूँ एक नया फ्रीलांस प्रोजेक्ट ब्लॉग। इस वीडियो में सर पीटते हुए इस इंसान को देख के ये मत समझना कि इसका काम बहुत टफ है, बिकॉज इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टू लुक गुड। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे डे टू से, क्योंकि हमारे सिनेमेटोग्राफर्स इतने टैलेंटेड हैं कि वो कैमरे के ऊपर माइक का रिसीवर ऑन करना ही भूल गए। वेलकम बैक, ये आज डे टू है। अब ये वो एरिया था जहाँ पे हमने बैकड्रॉप जो लिया था ना, वो नेचुरल लिया था। ये जो सारे लाइट्स थी, दीज वर ऑल लिट। नाउ वी वांट टू डू सम चेंज। जो सारे डिशेज हम नेचुरल लाइट में शूट करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग दैट देयर आर गोइंग टू बी मोर डिशेज, मोर बेवरेजेस। सेकेंड चीज़ जो होगी वो नेचुरल लाइट, ये दोनों चेंज होंगे आज के डे टू में। तो स्टार्ट करते हैं। वो जो सेम सेटअप था वो भी आई थिंक जब हम इवनिंग में पहुँचेंगे तो हम एग्जैक्टली सेम लेके आएंगे, लेकिन फॉर नाउ एज अ चेंज वी गोना स्टार्ट विद द टेबल टॉप एंड विद द सैलेड्स। थोड़ा सा हेल्दी स्टार्ट करने वाले आज हम। ठीक है सर, सैलेड्स आपने प्रिपेयर करा दिए, स्टार्ट करें। अंकुर सैलेड्स प्रिपेयर हैं, स्टार्ट करें। ऊपर तुम पहुंच जाओ, क्योंकि ऊपर पिज्जा का भी शॉट में डालूंगा नहीं। मैंने चेक आउट कराना उसके डो के ऊपर, तो स्पेस नहीं है और लाइटिंग भी पूरी पूरी खराब हो जाती है लाइट मार के। ठीक है, तो पिज्जा का हम डायरेक्टली यहाँ के शॉट ले रहे हैं। ठीक है, और मैंने एक एक रील और सोच लिया, अगर आप फोटो उस लेवल से उस तरीके से खींचोगे ना तो मैं वो रील फोटो से बना लूँगा। उसके अंदर एक मोड नहीं करेंगे, मतलब ऊपर नहीं जाना, देखो सारी चीज़ यहीं शूट करनी है। मेरे पास है लिस्ट है, सारी मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ, उससे बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। वो पास्ता करा रहे हैं पहले, सैलेड भी करा रहे हैं, शेफ है, ऑक्टोपस थोड़ा है। तो सैलेड भाई प्रिपेयर कराओ फिर आप। ब्लैक राइस दे रहे हो पहले, ठीक है, और बीन स्प्राउट एंड कौन सा ये ग्रीन सैलेड, ये तीनों के तीनों ले आओ फिर। ये क्या चीज़ है? ये कोल्ड कॉफ़ी। ये इसी को शूट कौन कर रहा है? पीने के लिए बोल लेते हैं। अच्छा, ये कोल्ड कॉफ़ी है, फटाफट एक झूठ पर पी ले और स्टार्ट कर दे, नहीं तो मैं पी जाऊँगा। टेबल टॉप सेटअप करना है ना हमें, तो मैं ट्राईपॉड सेट कर रहा हूँ टेबल टॉप के लिए। सर अगर आपने खोल दिया तो आज का पूरा शूट फ्री में है मेरी तरफ से, सच्ची में, क्योंकि इतना एम्बेरेस नहीं हो सकते, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ऐसे ही ऊपर ये तो फिगर आउट करो। अच्छा, मतलब मैं पूछ रही हूँ, ऐसे नहीं हो कि मैं और टाइट कर रही हूँ? नहीं, उस साइड अगर और टाइट कर दोगे तो जल्दी खुलेगा, घूमना टाइट शुरू हो जाएगा ना। एक बार जाम है अभी हल्का, तो मैंने ऑलिव ऑयल डाला इसमें। ऑलिव ऑयल ही था भाई, तू कैफे में है। मैम शुरू हो गई, शूट फ्री में चाहिए। दो यार सच्ची है, मत खोल देना। यस फाइनली मैं पेमेंट डबल लेनी है। आपके ऊपर था फ्री वाला, मेरे साथ तो हाँ। थैंक यू, नाउ फाइनली टेबल टॉप। कितने चैलेंजेस आते हैं ना शूट में, दो घंटा तो ऑलरेडी टाइम से डिले चल रहे हैं। अब अंकुर कहाँ चला गया? चलो क्या वो हुआ, अपने को क्या सबक मिला, इतने ऐसे आइटम उन पर टाइम टू टाइम ऑयल डाल दो। पॉइंट बताएं क्या होता है, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी में जो बेस होता है ना वो प्रॉपर क्लीन हो, तो ये इक्विपमेंट्स साथ में कॉनिन वगैरह और ये जो क्लीनिंग क्लॉथ होते हैं, ये नॉर्मल किचन इक्विपमेंट होते हैं, शादी शुदा लोग वैसे ही करते होंगे ये चीज़ें घर पर, तो ये लेके चला करो। इसके अंदर ही ना ये जो डाला हुआ है ना, ये कवर हो गया है मसालों से और सेसमे सीड से, तो जो फ्रेश फ्रेश होते हैं ना बिल्कुल, सब कुछ भी लगाओ वो वाले पीस लेकर जाओ ऊपर ऊपर लगाने के लिए, ताकि वो आइटम में हाईलाइट हो जाए। इसका आप फोटो ले रहे हो ना, एक ना इसको हटा के भी फोटो ले रहे हैं ऐसे कैमरे में, ठीक है, स्टिल मैं उसका वीडियो शॉट में यूज़ कर लूँगा। प्लेट का एरिया ना हम कवर नहीं कर पा रहे, तो हम 24-105 पे स्विच हो रहे हैं। हमारे पास लाइट अच्छी है तो F4 चल जाएगा हमारा अपर्चर जो है, दिस इज़ वट वी आर लुकिंग फॉर। हमारा पूरा वाइड एरिया आ गया नीचे। ये जो तुमने धनिया के पत्ते काटे हैं ना, ये क्या होते हैं उसके, जो लीफ लाओ, चार लीफ लेके आओ सिर्फ, इसी में रख के, ठीक है, एक और छोटी कटोरी ले लेना, सिर्फ पत्ते लेके आना, चार पत्ते। किसने बोला तेरे को ये बाउंड्री बनाओ? ऋषि भैया ने, मैंने बाउंड्री नहीं बोला था, हमें रिकॉर्डेड है भाई। बंच की तरह डाल दे, सही बंच की तरह डाल दो। नहीं नहीं रुक जाओ, मत करो, रुक जाओ,
फूड फोटोग्राफी क्या होता है, सारा डिटेल में काम होता है। मेरे को ना प्लेट के ऊपर थोड़े से स्पॉट्स दिख रहे हैं इंग्रेडिएंट के, मे बी ऑयल हल्का सा जो यूज़ हुआ होगा उसके, तो मैं क्लीन कर रहा हूँ प्रॉपर। जितना पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम काम सेव कर सकते हैं ना उतना मैं कर रहा हूँ। एक चीज़ हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे, टेथर केबल लगा के मैं लैपटॉप में लाइट रूम में देख लेता ना तो मेरे को रिजल्ट बहुत क्लियर दिखता। वो चीज़ हमारे पास मिसिंग है, मे बी इट्स अ फीडबैक फॉर मी फ्रॉम मी दैट वो सेटअप नेक्स्ट टाइम से होना चाहिए। आई थिंक आई एम गुड विद इट यार। देखो जरा रुको, अभी लेनी थी, अभी तो फोटो लेनी थी उसकी। ये खाली तो कब के ले चुका हूँ मैं, हाँ ले लिया था, कब का ले लिया था मैंने ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा हमारा पूरा सीन सेट है। हमने 3 लेयर ऑफ डिफ्यूज़र दिया है, जो सॉफ्ट बॉक्स है उसमें 2 लेयर हैं और ये एक लार्ज, हाँ इसके अंदर 2 लेयर्स हैं। एक और डिफ्यूज़र है कि सन के ना डायरेक्शन नहीं आया, तो हम इसको जितना डिफ्यूज़ कर पा रहे हो तो डिफ्यूज़ कर रहे हैं, और एरिया हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा है डिफ्यूज़ करके। तो आप शॉट दिखा देगा कैसा है, चढ़ जाओ और देखो। वेरी नाइस। वही समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम आपके साथ एक 2 घंटे में एक सैलेड आई है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बीच में ना आइटम चेंज, जैसे एक लिस्ट पे चल रहे हैं ना सैलेड, पहले सारे सैलेड ही कंप्लीट करो। बीच में क्या सेट हुआ था कि सैलेड होंगे और हमारे को सिर्फ 2 सैलेड ही करने हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें पूरे तो बनवाने पड़ेंगे ना, उसके बाद बर्गर पे जाना तुमने, उसके बाद बर्गर पास्ता ये सब कुछ। हाँ एग्जैक्टली, पहले वो समझ गया तेरे को वो चाहिए, लेकिन पहले हमें सारे 7 सैलेड हैं, हमें सबकी फोटो तो खींचनी है ना, हमारे पास एक ही आया। तो आप एक काम करो, मतलब उसकी बात क्या कि आप 2 सैलेड शूट कर लो, उसके बाद इनको वो जो हमने आइटम बोली वो बनाने दो, हम अपना बिजी रहेंगे उसमें। एग्जैक्टली, बाकी सैलेड बना सैलेड के लिए तो वेट करते रहेंगे। हाँ तो आपको सैलेड के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमारे को आपके 8 सैलेड खत्म होने के लिए खाली बैठे रहना पड़ेगा आधा घंटा। इन्होंने बोला कि हमें 5-10 मिनट के अंदर हम सारी आइटम आपकी जो बताइए ना वो बहुत जल्दी रेडी होती हैं, उनको टिक्की को गर्म करके बन में डाल के देना है, दोबारा बनवाना पड़े। पॉइंट वो भी आ रहा है, अब हम बर्बाद नहीं करेंगे कि इतना सज एंड तक रखियो कि हमारे फोटो लायक तो बचे, क्योंकि बताऊँ क्या हो रहा है, उतना तो बर्बाद कर रहा था, दोबारा बनाने में आधा घंटा और लग जाता है। मैंने उनको यही बात पूछी थी कि पास्ता को रीहीट करके वैसा फ्रेश कर दोगे, उन्होंने बोला कर दूंगा। अब वो जब जो भी तू क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसे आपको सामने लेंगे, मैं भी पूछूंगा, क्योंकि उसने एंड में मना कर दिया आधा घंटा, मतलब लाइट और डाउन बहुत लेट चल रहा है। जो हमने डिसाइड किया था, वेदर ख़राब है, 3rd डे नहीं जाना चाहते हम, मतलब चांसेस हैं लेकिन हम बहुत मिनिमम करना चाहते हैं उसको, कि जो वीडियो बनाने वो तो एटलीस्ट ना ही आए। ठीक है, अब आपको क्या क्या कराना, आप और मैम 2 हो, एक टीम के साथ आप अलाइन हो जाओ, एक टीम के साथ मैं मैम को, जैसे हमारे साथ मैं मैम को लाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए स्टाइलिंग भी कर रही है। ठीक है, आप इनके साथ अलाइन हो जाओ, और आपके पास मैन पावर कितनी है, 3 लोग हैं ना। ठीक है, हमें एक दे दो, उनको 2 दे दो कि वो प्रिपेयर ऐसे करें, वही तो कह रहा हूँ, कोई 2 उनकी तरफ दे दो, नहीं 2 उनको दे दो, एक हमारे साथ हमारे प्रिपरेशन के लिए रख दो, मैम प्रिपेयर करा रही है तो हमारे पास 2 ऐसे ही हो गए। ठीक है, 2 इनके लिए रख दो मेन बंदे, कि दोनों काम इकट्ठे होते रहें। हाँ तो ये हो गया हमारा ना, और तिकड़म नहीं करते इसमें कि हम लेट होते रहेंगे। एवोकाडो है, एवोकाडो चलो चलो चलो, लो नेक्स्ट लो एवोकाडो, इसकी फ़ोटो हो गई, एवोकाडो ले लो, ये नहीं चाहिए फ़ोटो मैम नेक्स्ट। अब तक आपने देखा कि हाउ वी मैनेज टू फोटोग्राफ द डिशेज, अब मूव करते हैं इनसाइड द कैफे जहां टीम 2 का रील्स फिल्मिंग स्ट्रगल चालू है। लेट्स हेयर फ्रॉम द टीम लीड एंड जानते हैं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। अब तक के चैलेंजेस जो आए हैं, पहला चैलेंज तो मैंने खुद ने क्रिएट किया था लेट आकर। अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो रेस्टोरेंट की तरफ से थोड़े बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनका नया नया ओपन हुआ है, तो अभी इनको ये नहीं मालूम कि किस तरीके से वेजिस कटेंगी जो कि सुंदर लगें, तो हमको दोबारा से उसको कट करवाना पड़ रहा है। ठीक है, अब एक मणिपुरी राइस आइटम थी जिसने पूरी की पूरी प्लेट का क्या नाम है एसेंस कैप्चर कर लिया था, डार्कनेस फैला दी थी प्लेट के अंदर, तो हमको उसको कम करना पड़ा। ठीक है, वो बार बार रिपीट चीज़ें प्लेट्स बार बार बनने जा रही, तो ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज हो रहा है। अब दूसरा चैलेंज ये हो रहा है कि हाँ भी फोटोग्राफर्स को अपने आइटम्स अलग चाहिए और वीडियोग्राफर्स को अपने आइटम्स अलग चाहिए, तो अब उस चीज़ को मैनेज कैसे करें, तो हमने अभी इस बारे में डिस्कशन करी है कि पहले 2 सैलेड के शूट्स होंगे, उसके बाद हम अपना वीडियो शूट के लिए प्रोडक्ट्स बनवाएंगे जो कि 15 मिनट लगेंगे, जल्दी हो जाएगा, फिर हम अपना बिजी रहेंगे, उसके बाद फिर सैलेड कंटिन्यू करे जाएंगे, तो इससे हम दोनों का काम ईजी हो जाएगा। हाँ, चैलेंजेस ये है कि हमारे फूड काफ़ी लेट आ रहे हैं और हमारे सर वो काफ़ी वेस्ट कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम चलते हैं बाहर, उनका ना टेबल टॉप लगा पड़ा है, ठीक है, उसी के साइड से इसको थ्रो करते हैं प्लेट में। क्या चैलेंज आ रहा है यहाँ पे हो रहा है, एक तो नंबर 1 मोशन ब्लर आ रहा है, क्योंकि
स्पीड में जा रहा है ना सामान नीचे, मोशन का कंट्रोल करो ना, वो नहीं हो सकता। 100 FPS कर रखा है ऑलरेडी। अच्छा हाँ, उसमें भी मोशन चला रहा है। टेबल टॉप लगा लो ना एक और। कहाँ है टेबल टॉप दूसरा? बाबा टेबल ही तो सही है टेबल टॉप के लिए। कैमरा तो तुम अपने जैसे कल लगाया हुआ था वैसे लगाओ। तो आपने रखा ना ट्राइपॉड टेबल टॉप वाला? अपना ट्राइपॉड नहीं लाया? अगेन डोंट टेल मी। गाड़ी में रखा हुआ था, गाड़ी लाया था गाड़ी में ड्राइव नहीं, वो उसका टेबल टॉप नहीं होगा ना, लेकिन उसके अंदर यहाँ से हम सामान फेंकेंगे नीचे। बस हमारा ये शॉट होगा कि सारा सामान हम यहाँ से नीचे फेंकेंगे और आपने जो फोटो ली है ना उसको हम मर्ज कर देंगे इसके साथ। यार मेरा सैलेट 2 मिनट में आ रहा है तो मेरा सेटअप तो हाँ, नहीं कर सकते। 2 मिनट में आ रहा है ना, 2 मिनट के अंदर हम कर लेंगे खत्म। अरे फिर तू खिंडा देगा ना सब कुछ, साफ हो जाएगा। नहीं नहीं तू वहीं कर, इसको एंड के लिए छोड़ दे। ये जो सेक्शन है ना हाँ, इसको बात के लिए छोड़ दे, क्योंकि मेरा जब सैलेड खत्म होगा ना तब मैं दूसरी जो चीज़ें लाऊंगा उसके बीच में देखो मैं स्पेस। एक मिनट का, एक सेकंड का शॉट है बस, इसमें लंबा नहीं है गेम कोई। कैमरा अपना एक बार ले आना। अब हम एक शॉट लेंगे कि कैमरा के थ्रू जब सामान गिरता है, पहले वो थोड़ा सा ब्लर होता है, उसके बाद फोकस में आता है, वो बहुत एक अच्छा इफेक्ट देता है कि हम उस एरिया में एंटर ले रहे हैं, उस तरीके का इफेक्ट आता है। अभी बहुत कॉमन शॉट है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है हर बार। मैं जब गो बोलूँगा उस वक्त करना है, 1 पे नहीं करना, ठीक है? 3, 2, 1 गो। बस कैमरा हिला बहुत ज़्यादा, दोबारा करो। साफ हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ये तो बिग डील। हाँ है फोकस है। सामान कब गिरेगा, सामान कब गिरेगा, जल्दी गिर जाए। सबने इतना लेट क्यों किया यार, सबसे जल्दी मैं ही करता हूँ। काउंट तो तूने गिर रही थी तभी तुमने गिरा। स्लो मोशन लेस लग रहा है। अरे काउंट तो इसने करी थी। हाँ सही शॉट आया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। स्प्राउट्स वाली प्लेट रेडी करवा दे और अपना कैमरा बंद निकाल, अपना कैमरा बंद निकाल, वी विल चीट। अभी इतनी देर से हम रुके हुए थे, शूट नहीं कर पा रहे थे। उसका मेन रीज़न था कि हमारा ये ना स्टेबल नहीं हो पा रहा था और हम रिमोट लाए नहीं थे, एक्सटर्नल लैपटॉप नहीं ले आए थे। तो अब जब भी हम क्लिक करने जाते थे तो हमारा कैमरा भनभना जाता था। तो अब हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला है कि हमने उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट किया एंड रिमोटली वहाँ से हम क्लिक करेंगे इसको, ताकि हमारा फ्रेम हिले ना बिल्कुल। ये जो सैलेड है ना, इसका शॉट तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक छोटा सा मुझे इसमें इश्यू ये लग रहा है कि एलिमेंट्स बहुत कम है। तो मैंने कैरेट के लिए बोला थोड़ी स्टाइलिंग करने के लिए, कैरेट के 2 या 3 स्लाइसेस आएंगे पतले पतले, उसकी मैं यहाँ स्टाइलिंग करूँगा। आई थिंक दैट विल ऐड द एक्स फैक्टर और दैट विल ऐड द एलिमेंट टू दिस सैलेड एंड इट वुड लुक गुड, इट लुक्स डिलीशियस देखने में, ठीक है? तो इसको और हम इन्हेंस करने वाले हैं। डाउन हो गई है ना तो हमें एडिशनल लाइट चाहिए, तो हमारे पास है, हमने लगाई नहीं है जस्ट बिकॉज हम अभी रिफ्लेक्टर से काम चला रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया देन वी विल यूज सेकंड लाइट। आ गया, एक रिक्वायरमेंट है छोटी सी कि एक रील आप बना सकते हो। पता कैसे? आपकी थ्रू बन सकती है वो। इसी शॉट में ना आप ना इसी जगह पे सेम जगह पे 4 सैलेड रख दो और हाफ करके बस को स्लाइड करता रहूँगा। एग्जैक्ट सेम टक 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 टक, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले उसकी फोटो ले रहे हैं फिर रख देंगे। क्या किया है, किसने किया ये? वही मैं तेरे को बताया था तब से, बर्बाद मत करियो चीजें। ये तो हो चुका ना शूट आपका, तेरे को चाहिए अब कैसे करेगा तू? तो बाद में आइडिया है ना हमारे पास। सुनो सुनो सुनो, हम हमारे पास 4 फोटो आई ऑलरेडी सेम है। हम वही इसको मैं बता रहा हूँ, सारी है एग्जैक्टली सेम है। तो तुम एक काम करो ना, अपना बर्गर सैंडविच रेडी करवाना शुरू करो। तुम्हारे लिए 2 शेफ अलग, हमारे लिए अलग है, तुम्हारी टेंशन क्या है? मैम जो है ना वो भी शेफ का काम कर रही है, ठीक है? तो 2 हमारे हैं, 2 तुम्हारे। ये खा भी सकते हो, ये भी खा लो। देखो वन ऑफ द बेनिफिट्स फूड फोटोग्राफी के, जैसे ख़त्म हो जाए ना शॉट तो मेरे फेंको मत, ये पेट में डालो। तो मेरे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज बताऊँ क्या है? वेदर। अगर बारिश हुई जो 90% चांस है होगी, तो मेरा सेटअप पूरा अंदर चला जाएगा और बीच में जो वीडियोग्राफर थे वो सेम टेबल टॉप सेटअप मांग रहे हैं, जो अगर मैंने उनको दिया तो आई थिंक मैं 20-25 मिनट्स और लूज़ कर दूँगा अपने टाइम में से, विच इज़ आई डोंट थिंक दैट आई एम इन अ स्पेस टू लूज दैट टाइम, बिकॉज उससे मेरी चीज़ें और डिले होती रहेंगी। लास्ट नाइट व्हाट वी कंप्लीटेड वाज ऑल नेचुरल लाइटिंग, जो ऑल आर्टिफिशियल लाइटिंग वाला। टुडे वी वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग ऑन नेचुरल लाइट, जो हम लूज़ कर रहे हैं उसमें डबल फैक्टर मैं कहूँगा। एक तो प्रिपरेशन इज बिट डिलेड, तो हमने उसके लिए टीम स्ट्रेटजी बनाई कि 2 शेफ वीडियोग्राफर का, 2 शेफ फोटोग्राफर्स के लिए एंड 2 ओनर्स हैं, दोनों एक एक टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
तो होपफुली अगर बारिश नहीं आती तो कोई चैलेंज नहीं होगा, विल स्पीड अप द प्रोसेस. अगर आती है तो शिफ्टिंग एवरीथिंग इनसाइड विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी. चैलेंजेस एक तो वेदर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, कभी हार्श लाइट हो जा रही है, कभी बहुत सॉफ्ट लाइट हो जा रही है. दूसरा चैलेंज आ रहा है कि हमारे वीडियो शूट साथ साथ चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट थोड़ी थोड़ी लेट में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो वो ऐसी हालत में आ रहे हैं कि हमें उसको दोबारा रिफाइन करवाना पड़ रहा है. वही स्टार्टिंग में डिसाइड किया टीम अप करो, आप एक के साथ रहो, दूसरा मेरे साथ रहेगा, तीन का स्टाफ है, दो आपके पास होगी, मैम हमारी ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं. लेट्स हियर फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द कैफे एंड लेट्स फाइंड आउट उनके क्या क्या चैलेंजेस रहे. शूट रिलेटेड जो मुझे इशू आ रहा है वो शायद आ रहा है, हमें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास कम्प्लीट नहीं थी, तो आज हमने वो अरेंज की है, तो इसलिए आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्मूथली प्लानिंग के साथ जा रहा है. कल हम वी आर नॉट गोइंग एज पर द शेड्यूल, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंज आ रहा था, अदरवाइज तो शूट मतलब स्मूथ ही जा रहा है. फटाफट बना के प्रेजेंट करना सो दैट फोटोग्राफ्स जल्दी जल्दी हो सके. तो आई माई सेल्फ वर्कड इन प्रोफेशनल किचन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माई फीट आर किलिंग मी. दिक्कत तो फिलहाल किसी में नहीं आई, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगा हर चीज़ में ना, हमें थोड़ा टाइम लगा कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, हमें ऐसा देना चाहिए, फ़ोटो में ऐसा लगना चाहिए, तो ये थोड़ा टाइम लगा इस चीज़ में, बाकी दिक्कत और कुछ नहीं. देखो नेक्स्ट आइटम है हमारा स्वीट पोटैटो सैलड. इसके अंदर चैलेंज क्या है, ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन जो ब्रोकली का ग्रीन पार्ट है ना वो विजिबल नहीं है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे. हमने ब्रोकली के कट्स मंगाए हैं, मे बी उसको एज अ प्रॉप भी यूज़ किया जाए, एज अ स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ किया जाए. लेट्स सी अभी इसका क्या रिजल्ट आने वाला है. यार अभी पता है इस साइड ज़्यादा वाइटनिंग हो रही है, इसकी जो नीचे ज़्यादा है ना, और ये वहाँ से है, ये नीचे ज़्यादा नहीं है. एक मिनट रुकना, उसको थोड़ा डिसॉल्व करना, फ्रेम में नहीं आ रही ना. नहीं सॉल्व हो गई. एक सेकंड रुको, तुम्हें स्वीट पोटैटो सैलेड का वीडियो बनाना है. वीडियो नहीं बनाना, तो अभी आप और आएंगे आपके. ठीक है, तो इसको ख़त्म कर देना. हम आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ टैली कर रहे हैं कि कौन कौन से आइटम हो गए, कौन कौन से रह गए. सर एक ये एक सैलेड और आ रहा है. हाँ ठीक है. मैक्सिकन कॉर्न दो आ रहे हैं. दो आ रहे हैं, एक अवोकाडो. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास्ता हैं जो आप कह रहे हो कि तीन ही सेगमेंट है. ठीक है, तो वीडियो भी करेगा इसलिए वो क्या हुआ कि वीडियो भी करनी है उसमें. इस पर उससे नेक्स्ट क्या करवाओगे फिर आप, उसके बाद नूडल्स कवर कर लेते हैं. ठीक है, परफेक्ट. आज ना मेरे को भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि थोड़ा स्केड्यूल वाइज चल रहा है, और हम ये जो लिस्टेड चीज़ें थी ना हम एज अ एग्रीड सीक्वेंस उसको फॉलो कर रहे हैं, एज अ एग्रीड सीक्वेंस उसको फॉलो कर रहे हैं. पास्ता के बाद आप बताइए, बर्गर करेंगे. ठीक है. नहीं आई थिंक जो वीडियोग्राफर है ना उसको अब एक ऊपर एक काम करो, बर्गर तो एक ही बंदा बनाएगा ना. ठीक है, दो बंदों को बोले पास्ता बनाए, एक को बर्गर बनाएंगे, वीडियो का काम भी ना रुके. एज यू ऑल सी वी हैव 90% नेचुरल लाइट जा चुकी है, यू लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल परसेंटेज ऑफ लाइट, तो अब सारा का सारा जो होगा ना काम वो होगा आर्टिफिशियल लाइट पे. डन, हटाओ इसे. हटाओ नहीं, खाओ खाओ खाओ. मैंने वीडियो बनानी थी इसकी अभी. चूती है क्या, क्यों वीडियो कैसे बनाऊं मैं इसकी. अब फोटोग्राफर्स हमेशा दुखी करते हैं वीडियोग्राफर्स को, ये मैंने सुना था, आज देख भी रहा हूँ. ठीक है ना, ये हम स्नूट लगा रहे हैं अभी, ये सिर्फ टेस्ट बेसिस पे लगा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी फूड आइटम कोई रेडी नहीं है. तो सबसे पहले जो आइटम आएगा ना उसको पीछे से लिटिल बिट एक्स फैक्टर लाइट देने के लिए मैं ये लाइट्स एज अ स्नूट, एक बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया पे लाइट फेंकेगा ये यंत्र हमारा. तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, अभी मुझे भी नहीं पता, जब तक आइटम नहीं आएगा ना आई कैन नॉट इवन से कि ये रिजल्ट है. विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी विल गेट. अभी क्या हो रहा है, हम खाली बैठे हैं आधे घंटे से, जस्ट बिकॉज पास्ता की सारे डिशेस रेडी हैं. वी हैव टू शो थ्री टाइप ऑफ पास्तास एंड तीनों की रील बना रहे हैं उनको, तो जब तक ये फ्री नहीं करता हमारे पास तीनों प्रोडक्ट आएंगे नहीं और हम शूट शुरू नहीं कर पाएंगे. लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है, जब आएंगे और तीनों इकट्ठे आएंगे तो हम धड़ाधड़ शूट करेंगे उसका, फिर खा भी जाएंगे. तो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द शूट, यहाँ पे अब लास्ट जो है वॉफल्स की स्टाइलिंग चल रही है एंड ये शूट ओवर होते ही इसकी फोटोग्राफी होगी एंड देन आई थिंक 90% ऑफ द वर्क विल कम्प्लीट हेयर एंड लास्ट सेगमेंट जो हमारा बचेगा वो होगा रैप का. एक ही रैप है, उसको हम दो अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं एंड दी लास्ट विल बी बेवरेजेस. जो चार तरीके के शेक्स हैं वी हैव टू कवर दैट एंड आई थिंक वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब कंसिडरिंग द टाइम दैट वी हैड एंड
द काइंड ऑफ स्पेस वी हैड एंड द लाइटिंग कंडीशन ऑल्सो एक चैलेंज हमारे लिए, लेकिन हाँ दिस इज द थिंग दैट वी गो थ्रू एज अ फोटोग्राफर. एंड आपको रेडी रहना चाहिए सारी सिचुएशन के लिए. यू शुड हैव ऑल द इक्विपमेंट्स ऑलवेज रेडी विद यू, लाइट्स, मैन पावर एंड बजट कंस्ट्रेंट हो सकता है इन चीज़ों में, लेकिन यू हैव टू फाइट विद इट एंड मेक श्योर कि आप जो स्केड्यूलिंग कर रहे हो प्रॉपर, योर होमवर्क, योर स्केड्यूल, वो ऑन स्पॉट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ चैलेंज क्या था, यहाँ पे चैलेंज थोड़ा सा मैन पावर में भी आ रहा था, हमें कम पड़ रहे थे, लोग कम पड़ रहे थे क्योंकि चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से आ रही थी हमारे पास, वो हमें वीडियोग्राफर को भी देनी थी, वो थोड़ा सा हेवा था. लेकिन वी डेल्ट विद इट, वी सेट डाउन, वी डिस्कस्ड, एक स्ट्रेटेजी बनाई एंड आई थिंक दैट वर्क. दैट्स द रीज़न हम लोग टाइम पे चीज़ें कंप्लीट कर पाए. आई थिंक एक डेढ़ घंटा हमारा स्केड्यूल से ऊपर जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हम थर्ड डे तक नहीं पहुँचाएंगे चीज़ें जो हमारा आई थिंक स्ट्रेटेजी हमने जो दो घंटे बाद बनाई टाइम स्केड्यूल टाइम की, अगर वो पहले बनाते ना तो ये चैलेंज नहीं होता. बट आई थिंक वी आर ऑल एज अ कम्बाइंड एज अ टीम प्रीटी मच हैप्पी कि जो हमने अब तक अचीव किया है एंड आई थिंक क्लाइंट्स आर ऑल इक्वली हैप्पी. तो लेट्स गो टू द स्टाइलिंग, ये जो अभी वॉफल की चल रही है एंड इसके बाद लास्ट जो शूट होगा वो फोटोग्राफी इसकी मैं करूँगा एंड देन आई थिंक वील कॉल ऑफ द डे. ये यार वॉफल शूट हो रहा है ना, सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम लगा है मुझे, सही बताऊँ फूड फोटोग्राफी में. हाँ वही कर रहे हैं. ओए रुको रुको रुको, बहुत हार्श है. चलिए चलिए चलिए, डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए, डाल दीजिए. चॉकलेट चिप्स कहाँ है, वो भी डालो. नहीं वो नहीं है इसमें, इसमें आइसक्रीम डलती नहीं, इसमें तो डालो ना पूरा जो अच्छी तरीके से. बस 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 बस, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट. आओ देखो, अरे ध्यान से आओ देखो. आई थिंक वी गॉट द शॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर. और एक एडिशनल शॉट के लिए हम जा रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा अंडर एक्सपोज लिया जस्ट बिकॉज इट इज ड्रॉ, बट आई थिंक ओवरऑल इट इज लुकिंग गुड. आई विल गिव थम्स अप एंड अब लास्ट डिश की तरफ मूव कर रहे हैं जो है. What is that? Wraps. इसको अब याद आ रहा है, इसको एक शॉट लेना था क्योंकि अब तो हमने कबाड़ा कर दिया, लेकिन आई थिंक इनको मैसी दिखाना होता है. वॉफल इज, वॉफल इज ऑल अबाउट दैट. अंकुर खाओ ना, इतना अच्छी चीज़ है, खा क्यों नहीं रहे आप? ये लो यार, मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा. अरे आधा तो खा. आई थिंक यार दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फूड फोटोग्राफी, जो हम चीज़ बढ़िया बढ़िया सजाए थे ना एंड में तो खाने का टूट पड़ो. जल्दी 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 लो, बोलो हमारे कैमरा मैन का भी. ये ले, मुँह खोल जल्दी मुँह खोल. तो एक काम करो आप भी खाओ, ये लो. इसके लिए आना है आपको थ्री हम कैफे, सेक्टर 65, 65th Avenue, M3M, गुड़गांव. चीयर्स गाइस. व्लॉग का एंड भी मैं सिनेमेटोग्राफर की तारीफ करते हुए ही करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर नॉट रिकॉर्डिंग द ऑडियो.